बताऊं, अगर आप ये एग्जाम कर लेते हैं, मेडिकल नॉलेज एग्जाम क्लियर कर लेते हैं और अप्रोबेशन आपको मिल जाता है, परमानेंट लाइसेंस मिल जाता है जर्मनी वर्क करने का, आप ना सिर्फ जर्मनी में वर्क कर सकते हैं, आप यूरोप में भी वर्क कर सकते हैं, पूरे यूरोप में। उसके अलावा आप ऑस्ट्रिया में वर्क कर सकते हैं, आप लग्जमबर्ग में भी वर्क कर सकते हैं, आप स्विट्जरलैंड में वर्क कर सकते हैं। ये कंट्री है लग्जमबर्ग जाने का, स्टूडेंट बहुत पूछते थे, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अप्रोबेशन एग्जाम का वो पूछ सकते हैं, वो यही पाथवे है कि वो उन आप लोगों से पूछ सकते हैं अप्रोबेशन एग्जाम का, या वो है जिन्होंने यूरोप से पहले वर्क किया हुआ है उनसे वो अप्रोबेशन एग्जाम का नहीं पूछेंगे। इसी तरह जर्मनी में, जर्मनी में आपने परमानेंट लाइसेंस हासिल करना है तो आपने ये मेडिकल नॉलेज एग्जाम देना है। उसके बाद आप ऑस्ट्रिया भी जा सकते हैं, स्विट्जरलैंड भी जा सकते हैं, लग्जमबर्ग भी जा सकते हैं। और लग्जमबर्ग आपको पता है जर्मनी के बिल्कुल साथ है और बॉर्डर शेयर करता है, एक तरफ फ्रांस है जर्मनी है, तो इस तरह ही बॉर्डर शेयर करते हैं। लग्जमबर्ग में हाइएस्ट पेड है, वहां पे अगर